हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईशान। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कॉनकेव लेंस पर एक न्यूमेरिकल लेकर आऊँ। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है और यहां पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। आपने काफ़ी न्यूमेरिकल ऐसे देखे होंगे जहाँ पर आपको इमेज की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ती है, पर यह बहुत ही स्पेशल टाइप का न्यूमेरिकल है। इसमें आपको कॉनकेव लेंस दे रखा है और इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट की। इमेज की डिस्टेंस दे रखी है और फोकल लेंथ दे रखी है और इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इसमें मैं आपको एक डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि भैया हमें गिवन क्या है। तो कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ जो होती है वो हमारी होती है निगेटिव, ठीक है। और अगर आपको मतलब कि समझना है कि निगेटिव पॉजिटिव कैसे लेता है, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल के बढ़िया से उसे जाकर देख लीजिए, सब समझ आ जाए कि फोकल लेंथ पॉजिटिव ले या निगेटिव ले कॉनकेव और कॉनवेक्स लेंस में। तो फोकल लेंथ किसकी इसकी कितनी होगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कि हमें और क्या क्या गिवन है। डिस्टेंस एट वाट डिस्टेंस, तो मतलब यू की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। वी की वैल्यू देखते हैं, वी की वैल्यू है इसमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो वी की वैल्यू अगर हम इसमें इसके दोनों केस देखें, तो ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो हमेशा इसमें जहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं वहीं इसकी हमारी इमेज फॉर्मड होती है। तो इमेज इसकी हमेशा जो है निगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। जो भी इसकी इमेज फॉर्मड होती है वो हमेशा निगेटिव होती है अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, ठीक है। अब हमें निकालनी यू की वैल्यू, तो यू कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाई, ठीक है, बाय अप्लाई फॉर्मूला। हम इसमें लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/f = 1/v और -1/u। लेंस फॉर्मूला में माइनस लेते हैं आप, ठीक है। अब हमें यू निकालनी है, तो 1/u, यू को इधर ले गए और एफ को इधर लिया, 1/v माइनस का 1/f। 1/v मतलब 1/-10, माइनस का एफ 1/-15, बस वैल्यू पुट कर दिया, माइनस का 1/10 प्लस का 1/15, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो जो 1/u की वैल्यू है वो एलसीएम लेके हमारी आ जाएगी माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2/, ये एलसीएम लिया इसका 15 10 का 30, और ये हो गया हमारा माइनस का 1/30। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यू की वैल्यू कितनी, तो यू हमारा कितना निकल गया, माइनस का 30। तो एक चीज़ हमारी निकली डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी निकल चुकी है। अब हमें बात करनी है मैग्नीफिकेशन के बारे में। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वी बाई यू, तो होता है लेंस के लिए, और माइनस वी बाई यू होता है हमारा मिरर के लिए, ठीक है ना। ये याद रखना, मिरर के लिए होता है हमारा माइनस का वी बाई यू। हमें वी बाई यू लेना, तो वी कितनी हमारी, माइनस का 10, और यू कितनी हमारी, माइनस का 30, माइनस है माइनस कैंसिल, 10/30, तो ये हमारा जाएगा 1/3, और 1/3 होता है हमारा 0.33 पॉजिटिव। मतलब जो हमारा मैग्नीफिकेशन है पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज जो है वो हमारी इरेक्ट है, सीधी इमेज बनी है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारा कैसे कैसे ये फॉर्मूला लगाकर हमने यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो एट वार डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो ये रहा, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन की बात करें, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, मैग्नीफिकेशन हमारा 0.33 निकल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पर, मैंने आपसे कहा था कि डायग्राम बनाएंगे, चलो जी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम बनाया हमने, ये हमारा लेंस है कौन केव लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी, सबसे पहले से फोकल लेंथ देख लेते हैं कहाँ। फोकल लेंथ हमने 15 सेंटीमीटर ये मान लिया, ठीक है। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो हमारा दुगना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी गई है, यू की वैल्यू हमारी -30, तो यू हमेशा पक्का इधर की साइड होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ठीक है। जैसे हमारा ये यू गया, और ये कौन सा लेंस है, ये हमारा है डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ट कर देगा, ठीक है ना। तो हमारी इमेज इधर तो बनने वाली नहीं इधर की साइड, क्योंकि ये डाइवर्ट कर दिया, तो हमारी इमेज कहीं पीछे बनेगी, ठीक है। और ये सीधा यहाँ से निकल जाएगा इसके ये जो होता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो हमारा ये यहाँ कट कर दिया, तो ये हमारी क्या हो गई इमेज। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर हमारी यहाँ था, और 10 सेंटीमीटर हमारा ये हो गया। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है। ये हमारा हो गया वी की वैल्यू, ये हमारी हो गई यू की वैल्यू, वी की वैल्यू हो गई माइनस का ये हमारा 10, ठीक है। देखो माइनस में जा रही है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले गए,
ये भी वी भी माइनस में, यू भी माइनस में, तो लेफ्ट हैंड साइड, और एम हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा जो इमेज है वो हमारा बिल्कुल इरेक्ट है, ठीक है ना। तो इमेज जो है हमारी वो हमारी है इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे वर्चुअल एंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो इमेज क्या होगी हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा पूरा इस तरीके का हमारा ये न्यूमेरिकल हो गया। तो इसमें हमने फाइंड आउट करा फोकल लेंथ यू वी, और लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके हमने यहाँ पर यू की वैल्यू निकाल ली है, इस तरीके से यू आ गया जो कि हमें चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। और एम की वैल्यू मैग्निफिकेशन चाहिए था हमें, तो एम निकाल लिया हमने इस तरीके से, ये एम आ गया हमारा। और हमारा यहाँ पर ये हमने डायग्राम भी बना लिया है, इस क्वेश्चन में मतलब पूछा जाएगा आपको बोर्ड में कि ड्रॉ द रे डायग्राम, तो रे डायग्राम हमारा फॉर्म हो गया यहाँ पर। और काफ़ी और वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं कौन के मिरर पर और कॉन्वेक्स लेंस पर, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर भी देखे, बहुत ही अच्छी वीडियो है वो भी, जिससे आपको तुरंत समझ आएगा। तो अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी है तो लाइक करें, और कम से कम इस वीडियो पर 1K लाइक ज़रूर पहुँचाएँ, ठीक है। तो फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का सरप्राइज़ है, बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।